ये रेनॉल्ड की डस्टर है, इस डस्टर के अंदर पानी के अंदर ऑयल आने की शिकायत, पानी के अंदर ऑयल आने की शिकायत है। ये पानी की वाटर टैंक है, इसके अंदर ये ऑयल आता है, ये ऑयल आता है, ये ऑयल है, पानी में ऑयल नहीं आना चाहिए। इसका ये है, इसकी ऑयल कूलर बॉडी हमें बदलनी होगी, ऑयल कूलर बॉडी फेल है। अब हमने इसको खोलना चालू कर दिया है, ऑयल कूलर बॉडी खुल रही है। ये हमारे सोहेल भाई हैं, तो अभी इस बॉडी को खोल रहे हैं। ये ऑयल कूलर बॉडी बाहर आ रही है, जो हम इस गाड़ी में बदलने जाएंगे। पहले वाली बॉडी ये ऑयल कूलर बॉडी हमने खोली है, अब हम इसकी सफाई करें। ये सारा ये ऑयल जमा हुआ है, ये ऑयल है, अब हम इनकी क्लीनिंग करेंगे। ये हमने खोल के बोतल धो दी है, सामान क्लीन कर दिया है, बोतल को भी क्लीन कर दी है। ये ऑयल कूलर बॉडी हम नहीं डालेंगे, ओरिजिनल रेनॉल्ड की है। ये आप फिटिंग कर रहे हैं, ये ऐसा टूल भी चाहिए भाई, रैचिट बोलते हैं इसको, कम जगह है ना, इसमें ऐसा फिटिंग के लिए सिस्टम चाहिए। और ये फिटिंग बड़े आहिस्ता से और तरीके से करना पड़ता है इसमें। सारी फिटिंग कर चुके हैं, पानी वगैरह सब, अभी पानी डाला है, कूलेंट हम बाद में डालेंगे। ऑयल कूलर वगैरह की सब फिटिंग हो चुकी है और सारा ओके टेस्टेड है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट करो भाई। राड़ निकल गई।